हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज की वीडियो आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है कि अब ये आप एक्सप्लेन करिए कि एक जो रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है। सीधी सी बात है, अगर ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है। देखिए, ये हम सब जानते हैं, बुक वाला भी जानता है कि हाँ रेक्टेंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अगर हम पूछेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्यों है, तो वो आप ऐसे बता देंगे क्योंकि उसकी चार साइड्स होती है। इसलिए इसने क्या ऐड कर दिया, कॉन्वेक्स भी ऐड कर दिया कि बताओ भाई क्वाड्रिलेटरल तो है, ठीक है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, ये चीज आप हमें बताइए। तो सबसे पहले ये जानते हैं हम कि कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में क्या डिफरेंस है। देखिए, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिनका अगर आप डायगोनल ड्रॉ करें तो वो एक्सटीरियर को, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लेट सपोज ऐसे ये क्या है, एक शेप है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज फोर साइड्स। अब पता नहीं कौन सी शेप है, पर शेप है। अब ये हमारा, अगर मुझे पता करना हो कि ये हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके लिए हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायगोनल आ जाएगा ऐसे, ओके, ये आपका इंटीरियर है। इंटीरियर एक्सटीरियर तो आप सबको पता होगा, ये जो इसके, ये जो शेप है उसके अंदर का जितना एरिया सब इंटीरियर, बाहर वाला एक्सटीरियर। अब अगर आप एक और डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो आपका डायगोनल आपको यहां से दिख रहा होगा, दैट इज दिस। अब ये जो आपका डायगोनल है वो क्या है, एक्सटीरियर है। तो अगर डायगोनल एक्सटीरियर है, यानी कि जो भी है वो क्या है, कॉनकेव है। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कब आता है, जब उसके जो डायगोनल्स हैं वो सब इंटीरियर हो। फॉर एग्जांपल इन अ पैरेललोग्राम अगर आप उसके डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आएंगे आपके पास, इंटीरियर ही आएंगे। दो डायगोनल पॉसिबल है, दोनों इंटीरियर हैं। अगर आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर आप ड्रॉ करते हैं तो भी आपको इंटीरियर ही मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कभी भी कोई भी शेप देख लें तो उसमें अगर आपको डायगोनल अगर एक्सटीरियर मिल रहा है मतलब वो कॉनकेव है, अगर इंटीरियर मिल रहा है मतलब वो कॉन्वेक्स है। देखिए, यहां अगर हम क्या करें, रेक्टेंगल का डायगोनल ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, क्योंकि कॉन्वेक्स और कॉनकेव की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि डायगोनल्स कॉनकेव के एक्सटीरियर होते हैं और कॉन्वेक्स के डायगोनल्स इंटीरियर होते हैं। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल की डायगोनल है वो क्या है, दोनों के दोनों इंटीरियर है। इसलिए जो हमारा रेक्टेंगल है वो क्या है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। सीधी सी बात है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल इट्स डायगोनल्स आर इंटीरियर, यानी शेप के अंदर बन रहे हैं, हमारे रेक्टेंगल के अंदर बन रहे हैं, आर इंटीरियर। सो यहां पर हम लिखेंगे सो रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे से मित्रों की तरफ से जय हिंद जय भारत।